जब पीएम मोदी शाहजहांपुर पहुंचे, उन्होंने जब इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया तो इस मौके पर मंच से वो विपक्ष पर भी बरसते हुए नजर आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के माफियावाद का भी जिक्र किया, जब पुरानी सरकारें थी गुंडा राज का भी जिक्र किया, याद दिलाई लोगों को कि उस वक्त क्या स्थिति थी और अब कितना परिवर्तन योगी राज में आ गया है। देखिए, यूपी की उम्मीदों को पंख लगाने के लिए पीएम मोदी शाहजहांपुर पहुंचे। यूपी को गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात दी। यूपी में चुनावी मौसम है, लिहाजा एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने विपक्ष की एक एक कर सारी कलई जनता के सामने खोली। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। कट्टा लहराने वाले गायब, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया, ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। गाड़ियों की कटाई बंद, जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। अब सोती कंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी के विपक्ष पर हमले को लेकर जनता ने खूब ताली बजाई और जनता का जोश देखते ही बन रहा था। उन्हीं लोगों के फायदे के लिए काम होता था ना। वहीं पीएम मोदी के हमले से अखिलेश बौखलाए नजर आए। अखिलेश ने भी रायबरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है, और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। पीएम मोदी यूपी को साधने के लिए लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, साथ ही वो विपक्ष पर करारा प्रहार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस रणनीति से विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।